मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों चुनावी माहौल को देखते हुए जनता अपनी राय मीडिया के सामने परोस रही है। जब खबर गति की टीम जनता के बीच पहुंची और जनता का रुझान बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली और विकास के मुद्दों पर जब चर्चा की तो पान वाले, चाय वाले लोगों ने बताया कि भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। कुछ आम नागरिकों से चर्चा की तो कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भी चर्चा की। उन्होंने अपने अपने आंकड़े हमारी टीम के सामने बताए। महापौर प्रत्याशी की बात करें तो जनता का रुझान था मालती राय एक नया चेहरा है, वहीं विभव पटेल पूर्व महापौर रही हैं, उनकी उम्मीद ज्यादा दिख रही है। पार्षदों की माने तो उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, ऐसा जनता का कहना था। जब खबर गति की टीम ने पान वाले, चाय वाले और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। कुछ आम नागरिकों से चर्चा की तो कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्तियों से सबने अपने अपने आंकड़े हमारी टीम के सामने बताए। महापौर प्रत्याशी की बात करें तो जनता का रुझान था मालती राय एक नया चेहरा है, वहीं विभव पटेल पूर्व महापौर रही तो उनकी उम्मीद ज्यादा दिख रही है। पार्षदों की माने तो उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, ऐसा जनता का कहना था। राजधानी भोपाल बोकटपल पे खड़े हुए हैं, जहां पर हम लोगों का रुझान लेंगे। निकल पड़ी है खबर गति की टीम दीपक ठाकुर के साथ, नवेद खान के साथ और कैमरामैन पवन के साथ। यहां पर हम लोगों का रुझान लेना चाहेंगे कि किस तरह से चुनावी माहौल को देखते हुए वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। आइए हम दुकान संचालक से बात करते हैं कि क्या कहेंगे चुनाव को देखते हुए, क्या महंगाई के बारे में। जी नाम बताइए आपका। जी मेरा नाम रवि कुमार है। रवि जी, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई तो इस समय पहले तो मुद्दा तो होगा ही, क्योंकि महंगाई जब से भी बढ़ी है तब से कस्टमर भी कम हो गए जी। आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, और महंगाई तो प्रमुख मुद्दा होगा ही। सड़क के बारे में क्या कहेंगे, राजधानी के सड़क के बारे में क्या कहेंगे? सड़क में तो उन्होंने काफ़ी काम कर दिया, जितनी पहले सड़कें खराब थी अब धीरे धीरे वो सब सड़कें अच्छी हो रही हैं, और अब देखिए बारिश में कितनी दिक्कत है। इस समय महापौर के प्रत्याशी मालती राय जो कि नया चेहरा है और पुराना जो चेहरा है विभव पटेल, क्या आंकड़े निकालते हैं, दोनों में से कौन निकलेगा? देखिए विभव पटेल जी का भी अनुभव अच्छा है, मालती राय भी नए प्रभावशाली हैं, युवा हैं, अब देखें क्या होता है, रुझान किसकी तरफ जाते हैं। रोजगार के विषय में क्या कहेंगे आप? रोजगार तो जब से महंगाई हुई तब से रोजगार तो बहुत घट गया है, क्योंकि आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ के रखी है। क्या लगता है आपको, भाजपा के शासनकाल में महंगाई है या कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई थी? देखिए महंगाई तो कांग्रेस के शासनकाल में भी थी और भाजपा के शासनकाल में भी है, बस ये है कि भाजपा के शासनकाल में कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई है, काम भी बढ़े हैं, काम भी हुए हैं तो महंगाई भी बढ़ी है। देखिए किस तरह से युवा दुकान संचालक ने बताया है कि बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, महंगाई भी बढ़ी हुई, चाहे वो भाजपा के शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो। आइए हम दूसरे कैंडिडेट से बात करेंगे, एक कर्मचारी से बात करेंगे उनसे कि किस तरह से वो अपना व्यवसाय और किस तरह से काम कर रहे हैं। जी नाम बताएं आपका। धीरज जी, कहाँ काम करते हैं आप? यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको काम करने के बाद यहाँ पर? लग रहा है मेहनत ज़्यादा करना पड़ता काम। अच्छा, लगता है आपको भाजपा के शासनकाल में महंगाई थी या कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई थी? महंगाई महंगाई है, भाजपा के शासनकाल में महंगाई है। चलिए ठीक है, देखिए कर्मचारी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई है। आइए हम दूसरे कैंडिडेट से बात करेंगे, यहाँ के कर्मचारी से बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं और किसको दोषी मानते हैं कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई है, कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई है। जी नाम बताएं आपका। राजेश। राजेश जी, कहाँ काम करते हैं आप? साइकिल पर। कितना पैसा मिलता है आपको यहाँ पर? 250 रुपये का मिलता है। किराए से देते हैं या खुद का मकान है? क्या लगता है आपको, बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। किसके किसके शासनकाल में बेरोजगारी है, भाजपा की या कांग्रेस की? भाजपा। देखिए कर्मचारी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं भाजपा के आंकड़े कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि आम नागरिक से लेके, दुकान संचालक से लेके, कर्मचारी से लेके ये कह रहा है, कहने को मजबूर है कि भाजपा के शासनकाल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। आइए हम और अन्य लोगों से आंकड़े निकालेंगे चुनावी माहौल को देखते हुए।
है, फिर हम मार्केट में पहुंच गई, हमारी टीम खबरगति की टीम पहुंच गई है मार्केट में, और हम आई हम दुकान संचालक पाल की दुकान संचालक से बात करेंगे कि महंगाई किस दौर से गुजर रही है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, आई हम जानना चाहेंगे। जी नाम बताइए आपका। जी हम उससे मोहम्मद रईस कहते हैं। जी कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं वार्ड अभी 40 में हूँ। जी पार्षद का माहौल कैसा था पिछली बार? पार्षद का माहौल तो बहुत उम्दा रहा जी, और काफी काम भी किया जी। इस बार क्या लगता है आपको, भाजपा का पार्षद बनेगा या कांग्रेस का पार्षद यहाँ बनेगा? हमारे कैंडिडेट तो भाजपा का ही बनेगा जी, क्योंकि उसने काम किया है, पानी के लिए परेशान नहीं किया किसी को भी जी, और नालियाँ बिना बोले सफाई की जी, और हम तो यही चाहते हैं कि वो दोबारा आए तो काम करे। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में तो ये बता रहे हैं हम कि आजकल की राजनीति ऐसी चल रही है कि हर आदमी अपनी सेक्रिया, अब इस वक्त 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए, कोई पार्षद नहीं बना, कोई विधायक आम के नहीं देख लिया, कोई सांसद नहीं देख लिया, कोई मंत्री नहीं देख लिया। इस रोडों के हाल ये हाल है कि सदियों से नहीं बने। अच्छा जिस तरह से रेलवे स्टेशन का, ये रेलवे लाइन का हाल है कि लाश पड़ी रहती है, लोग कहते हैं जहांगीराबाद में है या ऐशबाग में, इसी तरह से ये मेन रोड का जो चक्कर देख रहा हो आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, ये सदियों से यही चला आ रहा है कि वार्ड 41 का है या 40 का है, इसके चक्कर में ये हमेशा रोड ऐसा ही रह जाता है। इस बार भाजपा का महापौर प्रत्याशी नया चेहरा आया है? नहीं नया चेहरा नहीं, मालती राय जो है वो पार्षद रह चुकी जी। नहीं पार्षद रही है लेकिन विभा पटेल पूर्व महापौर रही, क्या कहेंगे आपको, क्या लगता है आपको कौन निकलेगा? हमारे हिसाब से तो साथ जो सही कंडीशन में रहेगा पार्षद महापौर वही बने, लेकिन उम्मीद जो है हमें महापौर की जो है विभा पटेल के जो चांसेस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो मालती राय की छवि के बारे में लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा है उसके हिसाब से विभा पटेल की उम्मीद ज़्यादा है। देखिए दुकान संचालक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महापौर पूर्व महापौर उनके चांसेस ज्यादा है। आइए हम दूसरे आम नागरिक से बात करेंगे कि महंगाई के बारे में क्या स्थिति है यहाँ पर। जी नाम बताएं आपका। नाम बताएं आपका। इस्माइल जी कहाँ रहते हैं आप? आपके वार्ड पार्षद कैसे थे यहाँ पर पूर्व में? वार्ड जब पूर्व वाले हमारे पार्षद जो देते हैं तो कभी हमने तो देखा नहीं कि काम करने अभी भरी नहीं है, साफ सफाई नहीं होती, आपके साथ सफाई भी नहीं होती। अब ये चाहते हैं कोई भी बात का गाय तो कम से कम काम करें, साफ सफाई करें, ये चाहते हैं। वार्ड नंबर 41 में हमारी टीम खड़ी हुई है, चाय की दुकान संचालक से बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आइए हम बात करते हैं उनसे। जी नाम बताइए आपको। नाम शाकिर जी। कब से आप दुकान संचालित करते हैं यहाँ पर? 6-7 साल हो गए हमने दुकान चलाई। अभी चाय कितने में दे रहे हैं आप? चाय 6 रुपए की है, मेरे रेट कम थे, 5 रुपए की बिकती थी, टाइम पे सामान भी थोड़ा सस्ता था, और अब हर महंगा हो गया है, शक्कर भी महंगी हो गई है, पत्ती भी महंगी हो गई है, लड़कों का भी महंगी लेते हैं, दुकान का किराया है। क्या लगता है आपको, भाजपा के शासनकाल में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है या कांग्रेस के शासनकाल में? बीजेपी की महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा बीजेपी की। आपके वार्ड पार्षद कैसे हैं, काम किया है वार्ड पार्षद ने? पार्षद ने काम किया भी है, नहीं भी किया है, काम तो अच्छा कराया है लेकिन। देखिए दुकान संचालक ने स्पष्ट रूप से कहा है भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, पहले 5 रुपए की चाय वो देते थे लेकिन महंगाई के कारण आम नागरिक को इस समय वो चाय 6 रुपए की दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के आंकड़े निकल रहे हैं महंगाई के दौर में। आइए हम और जानना चाहेंगे लोगों से कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है या कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है। वार्ड नंबर 41 में मार्केट में खड़ी हुई है और आम नागरिक से लेके हमने यहाँ पर आंकड़े निकाले हैं, और एक बड़ा आम नागरिक जो कि चाय बेचता है उससे हम पूछते हैं कि आखिर महंगाई किसके शासनकाल में बढ़ी हुई है। जी नाम बताएं आपका। हरिशंकर राहुल। अभी करीब सर पहले गुजारा 4-4 हज़ार 500 रुपये पेमेंट रहते, अब अभी 350 करीब पेमेंट हो चुकी है। क्या लगता है भाजपा के शासनकाल में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है या कांग्रेस के शासनकाल में ज़्यादा बढ़ी है? मोदी के मतलब मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई ज्यादा बढ़ी है। हाँ।
देखिए चाय वाला एक स्पष्ट रूप से कहता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में यहाँ पर महंगाई बढ़ी हुई है, जबकि मोदी जी भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन सोच देखिए आप, एक आम नागरिक जो चाय बेचता है उसकी सोच ये है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही महंगाई बढ़ी है। अब और आंकड़े हम निकालेंगे मार्केट में जाके। फिर से हम ऐसवाल स्टेडियम के पास मार्केट में खड़े हुए और वरिष्ठ पत्रकार से हम चर्चा करेंगे कि चुनावी माहौल को देखते हुए उनके क्या राय है, महंगाई के विषय में क्या राय है और कौन कैंडिडेट यहां पर पार्षद की प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा, महापौर के रूप में चुना जाएगा। आइए हम उनकी राय जानना चाहते हैं। जी नाम बताएं आपका। रशीद नाम है मेरा। जी रशीद जी, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतती है हमेशा, कांग्रेस ही जीतेगी अति से अधिक, क्योंकि वो जो भाजपा का जो बयान है उन्होंने देखो आज ब्याह की गर्मी में पूरी फुलवा दी है, ऐसे मौके बरसात के मौसम में अच्छी खासी जमी हुई सड़क थी उसको खुलवा दी। आप बोल रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है टिकट की महामारी में हाथापाई हुई है, इसमें से हमें क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं हुई, वो तो आपस की बात थी वहाँ जी, कोई हम भी वही मौजूद थे जी। क्या हुआ था उस टाइम? वो हुआ था वो जो कोई एक दूसरे को कर रहा था, बाहर गाज भी नहीं हो ये नहीं हो जी सब। इस बार नया चेहरा आया भाजपा का मालती राय महापौर के लिए और विभा पटेलपुर में महापौर रही, क्या लगता है आपको कौन निकलेगा? विभा पटेल निकलेगी जी। पार्षद का क्या रवैया रहा था आपके वार्ड में? हमारे नेता में जो अकबर भाई थे वो आधे उसमें खत्म हो गए थे जी जी, भैया रेहान बना दिया, रेहान ने आज तक कभी कुछ नहीं किया, मतलब आपके कहने का मतलब पार्षद ने कोई विकास कोई काम नहीं किया। देखिए वरिष्ठ पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पूर्व में पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ वार्ड में नहीं किया है। अब हम दूसरे व्यक्ति से जानना चाहेंगे। जी नाम बताएं आपका। जी नाम बताएं आपका। नाम बताइए आपका। कहाँ रहते हैं आप? आपके पार्षद कैसे थे, उनका कार्यकाल कैसा था? वाले पार्षद दो रह चुके हैं जी, मतलब पूर्व में जो पार्षद थे जी, हाँ उन्होंने विकास किया है, विकास किया है, रोड बने हैं, कुछ गलियाँ बनी हैं, यहाँ पे नाली पोती का काम हुआ। रोजगार के विषय में क्या कहेंगे? रोजगार के विषय में रोजगार तो बेहद इस बार का कट्ठा पड़ा हुआ है, कोई रोजगार नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो उससे आदमी परेशान। क्या लगता है आपको, भाजपा के शासनकाल में महंगाई ज़्यादा थी या कांग्रेस के शासनकाल में? भाजपा के कार्यालय में ज़्यादा हुई है, इसके भाजपा के एरिया में ज़्यादा हुई है महंगाई और बेरोजगारी भी इसी में बढ़ी है। देखिए स्पष्ट रूप से आम नागरिक ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है। अब देखना ये है कि इस बार चुनावी नतीजे क्या निकलते हैं और जनता के आंकड़े सही होते हैं या नहीं होते हैं, पार्षद विकास काम करवाता है या महापौर विकास काम करवाता है, भोपाल का सौंदर्यीकरण कैसा होगा, आइए हम और आम नागरिकों से जानना चाहेंगे। प्रदेश की राजधानी वार्ड नंबर 41 में खड़े हुए हैं और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आलम जी से विशेष चर्चा करेंगे कि वार्ड में विकास हुआ क्या है आखिर 5 सालों में। आइए हम चर्चा करेंगे आलम जी से। आलम जी थोड़ा सा बताएं विस्तार से वार्ड के बारे में। देखिए नगरीय निकाय में चुनाव होने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 41 में भी चुनाव जी। आपने विकास की बात की जी, पिछले 12 सालों से मैंने यहाँ पे विकास तो देखा नहीं जी, लेकिन सड़कों का जहाँ तक मामला है आप खुद देख सकते हैं नीचे क्या स्थिति। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सेकंड सीएम है आज मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, नो डाउट उन्होंने विकास किया हो, लेकिन हमारे 41 में वार्ड 41 में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं जी, जिसकी महती आवश्यकता है। लोग पटरियां पार कर करके हमीदिया, कमला नेहरू, सुल्तानिया मरीजों को लेके जाते हैं, तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक अगर यहाँ खुल जाए तो उनके मतदाता हो या कांग्रेस के मतदाता हो उनको लाभ होगा और आम जनता का भला होगा। रोजगार के विषय में क्या कहेंगे आप आलम जी? रोजगार के विषय में ये है कि यहाँ 70% मजदूर तबका है, वो मजदूर तबका यहाँ से रोजाना काम करने जाता है, कमा के लाता है, अपने परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था
विकास जिसको हम कहेंगे, रोजगार और फैक्ट्री को लेकर अब तक मेरी नज़र में नहीं है। क्या लगता है इस बार नया चेहरा आया महापौर के लिए, जो मैडम है महापौर जो पूर्व में रही विभा पटेल जी, क्या लगता है आपको इस बार कौन निकलेगा? देखिए चुनाव में दो योद्धा लड़ते हैं और दोनों भी मंझे हुए खिलाड़ी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार विभा पटेल जी को बनाया है, हम चाहेंगे कि वो भी जीते। लगता है आपको भाजपा के शासनकाल में विकास हुआ है या कांग्रेस के शासनकाल में विकास हुआ है? किसके शासनकाल में ज़्यादा विकास हुआ है आपके विवेक के हिसाब से? माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, बखूबी लोग जानते हैं। लेकिन कितनी गंभीरता के साथ में उन्होंने सरकार चलाई, खरीद फरोख करके उनकी सरकार को गिराया गया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई के बारे में आप देख लीजिए ना, कंट्रोल से कम 70 टैंकर वापस किए गए, खाद विभाग के पास में रिकॉर्ड है। 85 से 90 रुपए प्रति लीटर मिट्टी का तेल कंट्रोल में कौन खरीदेगा, सारे के टैंकर उन्होंने वापस कर दिए। क्या सरकार को इसकी फिक्र है कि ये महंगाई कहाँ जा रही है? गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा है, गरीब किसान मजदूर बेरोजगार सब परेशान है। इस कदर देश और प्रदेश के अंदर में महंगाई है, इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए आलम जी से हमने विशेष चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासन इतना निकम्मा हो गया है कि बेरोजगारी और महंगाई इतना भरपूर तरीके से बढ़ गई है पूरे मध्य प्रदेश में, या राजधानी में लेके चलो, कंट्रोल से लेके चलो, सड़क से लेके चलो, पानी से लेके चलो, या किसी भी चीज़ से लेके चलो, भाजपा के शासनकाल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। आइए हम दूसरे एक आम नागरिक से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो अपने आप को महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में क्या प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। जी नाम बताएं आपका? निशांत पाल जी। साथ जी कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 41। आपके वार्ड पार्षद कैसे हैं? कैसे हैं जी? जैसे होते हैं वैसे ही हूँ। आम लोगों की जरूरत, विकास किया है उन्होंने नहीं किया? कोई विकास नहीं करते, नालिये गड्ढे कीचड़ में, बारिश में पानी थोड़ा बहुत गिर जाए, घुटनों घुटनों कीचड़ हो जाए। इस बार लाना चाहेंगे आप उनको दोबारा? अरे भाई जो विकास नहीं करता, जो काम नहीं करता, उसके लिए क्यों लाएंगे, क्यों वोट देंगे उसके लिए? देखिए स्पष्ट रूप से कहा है जो विकास नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो यहाँ का कैंडिडेट नहीं रहेगा। आइए हम दूसरे एक आम नागरिक से फिर से चर्चा करेंगे कि वार्ड 41 में क्या विकास हुआ है। जी नाम बताएं आपका? मेरा नाम जावेद खान है। जी जावेद जी कहाँ रहते हैं आप? बड़ी मेज के बाद देता हूँ, हम लोग 60 मेज से यहाँ पर ले रहे हैं जी। तो आप देख सकते 25 सालों का विकास नहीं हुआ। ये रोड बना था हमने, हेल्पलाइन कंप्लेन डाली थी 2019 के अंदर, ये रोड बना था, ये रोड बनने के 6 महीने बाद बारिश चालू हुआ। रोड आप देख सकते हैं, आपके कंडीशन है। कितने लाख का रोड बना हुआ था? ये 16-16.5 लाख रुपये का जो पास हुआ था, उतना रोड बना था ये। हमने स्कूल के लिए भी हमने डाला था, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का भविष्य जो है मेन, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए तरक्की का रास्ता है एजुकेशन और स्कूल। आज स्कूल की हालत देख सकते हैं, अंदर से जाके बारिश का वक्त आ रहा है, स्कूल अंदर से गिरता है और ये बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बिना बीम कालम के स्कूल है, हमने इसकी सूचना भी वॉलेट वन को दी थी। इसमें आप इस बार क्या लगता है महापौर कौन बनेगा? महापौर तो कांग्रेस का बनना चाहिए इस बार। देखिए स्पष्ट रूप से आम नागरिक ने भी कहा है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, वार्ड नंबर 41 में कोई विकास नहीं हुआ। जिस रोड पे हम खड़े हैं 16.5 लाख का 2019 में ये रोड बना हुआ था, लेकिन एक बारिश के पानी में यहाँ पर गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। अब यहाँ से आप विकास वार्ड नंबर 41 का देख सकते हैं कितना भारी भ्रष्टाचार है वार्ड नंबर 41 में। यदि इसी तरह से राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में यदि ऐसा ही भ्रष्टाचार होता रहेगा, तो क्या लगता है आपको पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी? अब ये सूचनी बिंदु है, चुनाव सर पे है, टिकट की दावेदारी हो रही है, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, पुराने कैंडिडेटों ने बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। अब देखना ये है कि सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन पवन के साथ में दीपक ठाकुर, खबर गति न्यूज़ भोपाल।